कि शिवे जमीन की अगली वायरल की फिल्म शाहरुख साहब और रणवीर कर रहे हैं, क्योंकि आदि सर अक्सर करते रहते हैं ऐसा। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप पूछिए ना, पूछिए ना। माइक 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 इंडियन इंटरवेंशन कौन मॉडरेट कर रहा है? हाँ जी हाँ, मैं सबके साथ सेल्फी लूंगा लूंगा। आज तो वीवो V3 मैच मेरे हाथ में आया है, आया है, आया है। हाउ मेनी सेल्फीज डू आई टेक इन अ डे? बट इट डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग। इफ आई एम आउट एंड अबाउट, I don't know, something close to 50 on an average, at least that's a lot of selfies. इसलिए मैं selfie expert हो गया हूँ। Selfie expert। मैं लोग चौंक जाते हैं actually, वो मुझे selfie के लिए पूछते हैं, मतलब मैं ले लूँगा। अब उनको ये नहीं पता कि वो मेरी खुद की गलत है, कि मैं अपने angle check करूँ, मेरी नाक बड़ी नहीं लग रही है, मेरा dimple दिख रहा है, lighting ठीक है, सब check करना पड़ता है। इसलिए selfie is always better। और Vivo से लेंगे तो इतनी तेज selfie लेता है, my God। रणवीर, Vivo is the faster and faster. रणवीर अभी आप परफॉर्म करने वाले हैं 8 को, आरजे अलोक के लिए जोरदार तालियां। आप सर, सवाल ये है कि ट्विटर पे जो आप जम गए, जो जम गए, थैंक यू सर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं सर आप मेरे बारे में, थैंक यू वेरी मच सर। सवाल है, 8 को आप परफॉर्म करने वाले हैं, कौन कौन से नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी अवार्ड फंक्शन हुए आपने अलग अलग मसाले दिए हैं प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ सर, वीवो IPL की ओपनिंग है 8 तारीख को NSCI डोम में, और इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल शो, इट्स गोइंग टू बी अ स्मैशिंग शो। मैंने करीबन हर अवार्ड फंक्शन पे परफॉर्म किया है इस बार। आई लव परफॉर्मिंग लाइव, आई थिंक एनर्जी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग लाइव इज जस्ट इट्स एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक। आई रियली लव परफॉर्मिंग लाइव, आई बिकम अ नर्वस रैक, आई स्टार्ट यूजिंग दैट टॉय फॉर मी, गेट इट, स्टेज पे जाने से पहले मेरा ये हो रहा था, 50,000 आदमी बैठ के चिल्ला रहे हैं, इट्स वेरी नर्व रैकिंग, बट वंस यू गेट ऑन स्टेज द एनर्जी इज जस्ट एब्सोल्युटली स्मैशिंग। सो ऑन द 8th नाइट आई एम डूइंग अ वेरी वेरी स्पेशल परफॉर्मेंस एट द NSCI डोम। एक इम्पोर्टेंट सी टेक्नोलॉजी आई है जो कि आप देखेंगे, आई थिंक इट्स नॉट यूज टू ऑफन, इट्स अ वेरी स्पेशल इंटरैक्टिव ग्राफिक टेक्नोलॉजी, सो वी डिजाइन अ होल एक्ट अराउंड दैट। उसमें क्रिकेट का फ्लेवर ऑब्वियसली डाला है, बट आई वुड लाइक टू कीप इट अ सरप्राइज, बट देखना जरूर, इट विल बी वर्थ वॉचिंग। एंड मोबाइल पे कौन से एप्स हैं जो आपको काफी ज्यादा पसंद आते हैं? मोबाइल पे एप्स, यार मैं स्कोर्स चेक करते रहता हूँ और नोटिफिकेशन मेरे ऑन होते रहते हैं, तो अगर फोन पड़ा भी है तो अभी आप मीटिंग कर रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं हो नरेशन में, तो आप स्कोर चेक कर सकते हो, अच्छा जडेजा हो तो ओह शिट, ऐसे मतलब काफी यूजफुल एप्स आ गए आजकल। आई थिंक वो जो फोटोज जब आप देते हैं उनको जो करेक्ट करना, आई लाइक दोज, वो टाइम पास वाले एप्स ज्यादातर यूज करता हूँ मैं, और बाकी सोशल मैसेजिंग वगैरह, इंस्टेंट मैसेजिंग। ग्रेट पार्ट अबाउट वीवो इज दैट यू नो इट्स सो फास्ट, तो जो भी आप करना चाहें आप डबल स्पीड ट्रिपल स्पीड पे कर सकते हैं। खुद यूज किया है मैंने, हमने ऐड शूट किया है इसका, बढ़िया। आपने देखा क्या ऐड? देखा, देखेंगे। अच्छा सर, देखेंगे, आपके साथ भी देखेंगे। अच्छा, दिवाकर साहब ने डायरेक्ट किया, बाय द वे बहुत महान डायरेक्टर है, ही इज मेड सम ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, ओए लकी लकी, ओए घोसला घोसला, LSD, लैंडस्केप चेंजिंग फिल्म। इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हिम, माय फर्स्ट कोलैबोरेशन विद दिवाकर सर, एंड वी शॉट सम रियली फंकी एज, आई कांट वेट टू सी। आदि सर ने आपको डायरेक्ट फोन करके बोला? आदि सर ने बोला मैं अपना वीवो उठाता हूँ, बोलता हूँ और फोन करता हूँ ETV में डायरेक्टली, खास ये खबर देने के लिए कि शिवे तमीन की अगली वायरल की फिल्म शाहरुख साहब और रणवीर कर रहे हैं, क्योंकि आदि सर अक्सर करते रहते हैं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट
है पाइपलाइन है व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड और फॉर्मलाइज्ड एज ऑफ नाउ सो एज ऑफ नाउ आई एम ओनली डूइंग बेफिक्रे एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शेपिंग अप टू बी रियली गुड और आपकी पर्सनालिटी को भी फोन से कंपेयर किया जाए हां तो आप क्या कैसे कंपेयर करेंगे क्योंकि आप इसके ब्रांड फेस भी हैं क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी में भी हैं वीवो के आप बताएं मैडम एनर्जी फास्ट तो ये है ही है मैं हर चीज में फास्ट दैट्स नॉट सच रणवीर रणवीर हाय हाय अच्छा गलत बोल दिया मारना मत अच्छा ओके ग्रेट Hi, Ranveer. Good afternoon. Over here. Congratulations for being the endorser of Vivo V3 and V3. Thank you. When did you get into our beautiful city? Oh, we got here last Sunday. Thank Welcome. You. Are you Thank loving you so it? Much. Very much. And we hope you can visit Manila soon. Awesome. That would be lovely. Okay. I'm sorry we couldn't understand any of the questions and answers in Hindi. Okay. So just to get this on the record on video in English, All right. what makes you the perfect endorser for the V3 and V3 Max? Well, I would like a beautiful lady to answer this. Well, like I said, he's known for his bundle of energy and being super duper fast in most things, I hope. And yeah, that's why he is the Vivo brand ambassador. Not at all. Actually, I'm just really happy for the team because I genuinely believe that filmmaking is a collaborative effort. It is not the work of one person, it's a team that works together. So if I win an award, it's as good as they won an award. If they won an award, it's as good as I won an award. It's one unit that works to create a film. So I'm only too delighted that so many of our technicians have won, our actors have won. And most of all for Mr. Bhansali, you know, because it's been his long-standing dream to make this film and to receive the National Award for Best Director. I'm really, really happy for him. And I'm delighted that Mr. Bachchan and Kangana have won their respective awards. Really, congratulations to them. This is following from Cricket Country, as you are now the brand ambassador of Vivo and Vivo are the title sponsors of IPL. Gee. So what's your favorite team in IPL? Who's your favorite Indian player and foreign player? Well, I definitely support the Mumbai Indians, there's no doubt about that. I'm a Mumbai boy, born and raised. So definitely Mumbai Indians, I have a lot of passion for that team. I try and catch most of their games, I've gone to see a couple of their games live as well. I had a most wonderful experience when I went a couple of years ago. I think it was Dwayne Smith, we needed 12 runs of 3 balls. And everybody's like, well, this is not going to happen. And he smashed 3 fours in a row and won the game for us. So I've seen that live. I've had some incredible moments and experiences at the Wankhede. And yeah, definitely Mumbai Indians is my team. And I think my favorite foreign player, I think AB de Villiers is my favorite foreign player. And amongst the Indian players, I think the great man himself, MSD, and Virat as well. No one from the Mumbai team. Hanji? No one from the Mumbai team. Oh no, I love my team, yaar. Aisi baat nahi hai. All the favorites of yours are from other teams. RCB. Lendl khel raha hai hamare liye is baar ki nahi? Yeah, he is playing. Lendl khel raha hai na? Yeah. Chalo. Thank you. Aapko bhi mubarak ho. Lendl aaya bhi Lendl. On 8th, you'll be performing at IPL. On 10th, we hear that you'll be one of the special guests at Prince William and Kate's ceremony. How are you looking forward to it? You know, and what are you planning to give them? Perhaps a DVD of Pajar on Stan? I'm not too sure about what the schedule is after the 8th evening. I think I'm focusing right now on my prep for Befikre and for the prep for this big performance that's going to happen on the 8th evening. So I'm really just concentrating all my energy on that, and yeah, today was a momentous occasion. I'm actually deep into prep for Basic Break, but today was a very, very important day, very momentous occasion, the launch of Vivo Mobiles, the V3, V3 Max, and I'm really, really happy to be here today. I'm very happy for the Vivo team, and this is, I think, a momentous day for mobile telephony in India.
to have a product that comes in that is head and shoulders above the rest, I think this is going to be a game changer. Well, it's a romantic, it's a light romance, so you know, you want, can't imagine that there'd be so much prep for a light romance. But apparently there is a lot of new forms of dance that I'm learning, a little bit of hip hop and tango, and I'm trying to up my dance game with this film. So let's see, hopefully I'll put in the hours in rehearsals and be happy with what I put out. Thank you so very much, and thank you, Ranbir, for being so sporting and answering all those questions. Now, of course, we're going to take a look at that really fun TV commercial that you shot. बोलिए, आपको बड़ा मिस करते हैं हम टेलीविजन पे। ये बात तो सही है, तुम भी पॉलिटिक्स में आ जाओ। अच्छा, टेलीविजन मिस करेंगे। खास करके मेरे फादर, शायद कुछ भी हो जाए, रूबरू नहीं मिस करना उनको। और मेरा बड़ा अरमान था कि मैं एक दिन बड़ा होकर कुछ करूंगा और मुझे आप इनवाइट करेंगे रूबरू पे। बस खैर आज रूबरू हो रहे, नॉट बैड। हां, ये तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये जो इनका पॉकेट आईपीएल वाला पॉकेट स्क्वायर मिस नहीं करना। शुक्ला जी के स्टाइल पर संदेह नहीं करते? हम तो आप वीवो को प्रमोट कर रहे हैं, हम वीवो आईपीएल दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। सर, आईपीएल क्या चीज है? सर क्या चीज है? इसीलिए तो हम आपको इनॉग्रल सेरेमनी में अपना हीरो बना के ला रहे हैं। अरे सर, मैं तो मतलब आग लगा दूंगा। इसीलिए तो आग का इंतजार है। बोल मैं घर क्यों नॉट बैड। हाँ जी बताइए एलेक्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Well, the next step is to, does anybody have any more questions for Ranbir or for Shukla ji or Mr. Kong? Haji, Vivo V3 Max. मतलब 5 सेकंड पहले तक मैं यूज कर रहा था, ये मोहतरमा ले गई मेरे जेब से निकाल के। हाँ जी, उसके पहले कोई बकवास सा था, मैंने हटा दिया। बोला कितना स्लो है, Vivo लेके आओ फास्टर देन फास्टर। सर मुझे वाकई में ऐसे लगता है एक लाइफ मिली है और टाइम लिमिटेड है, करना बहुत कुछ है, तो मुझे रोज लगता है कि यार आज मेरा ना आखिरी दिन है, तो मैं हर चीज करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत जो भी करता हूँ मतलब एकदम फास्ट। और आई गेस लोग ये पूछते रहते हैं यार तुम्हारी इतनी एनर्जी क्यों है, क्योंकि मुझे वाकई लगता है आज मैं यहाँ आया हूँ कल पता नहीं क्या होगा, तो आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, आई ट्राई टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, आई ट्राई टू डू एवरीथिंग एंड आई ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ यू वांट टू अचीव सो मच इन द लिमिटेड टाइम दैट वी आर हियर देन यू गॉट फास्ट, और उसके लिए मेरे हाथ में आ गए फास्ट, द की टू बीइंग फास्ट, द Vivo V3 Max Max Max. ये सुन के मुझे सदमा हो गया। जी मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, मैं इन चक्रों में पड़ता नहीं, बाकी आप क्या लाइए मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट? ये बात फन फैंस फैंटास्टिक, यही है ना सर? दैट्स द स्लोगन। अच्छा एक एक फोटो ले लें। हाँ फोटो ले, और मिस्टर फॉर्म सब इन द सेंटर।